किसी के प्लॉट को कोई मसला नहीं होगा, किसी की प्रॉपर्टी को कोई मसला नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट, वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के कलर में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मलीर के कलर में आ रहा है, कोई मसला नहीं है। कोई ज़मीन, कोई प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाएगा, ये हम आपको बहुत वाजे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची केस का फ़ैसला हो गया है। अब इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले तो ये है कि तहरीरी फ़ैसला बहरिया टाउन कराची केस का सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। अगले वीलॉग में आपसे वो शेयर करेंगे। 13 सफ़ात पर तफसीलन फैसला जारी किया गया है बहरिया टाउन कराची केस का। एक तो अपडेट आ गई ये। अच्छा, अब इसी केस में जब इंक्वायरी हुई है बहरिया टाउन कराची की तरफ से, कराची बहरिया टाउन की, तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को कहा था कि आपने 10 रोज़ा कमेटी बनानी है और बहरिया टाउन के पास जितनी लैंड है वो आपने मॉनिटर करना है, इंक्वायर करना है कि कितनी लैंड बहरिया टाउन के पास है। बहरिया टाउन कराची की ज़मीन को जो मॉनिटर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए 10 रुकनी कमेटी बनी थी सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसने फिर रिपोर्ट जमा करवाई थी, और उस रिपोर्ट के आने से एक तरह तहलका सा मच गया था। या बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब जो कि वकील हैं बहरिया टाउन के, उनको बैकफुट पर आना पड़ा था। वो ये था उस रिपोर्ट में कि बहरिया टाउन जो दावा कर रहा है कि इनके पास 16,896 एकड़ नहीं 11,700 समथिंग एकड़ है, वो दावा भी एक तो गलत साबित हुआ, और दूसरा 3,033 एकड़ ज़मीन ज़्यादा निकल आई थी। जी नाजरीन, जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह बताया गया कि 2,208 जो एकड़ है वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो की ज़मीन है और तकरीबन 800 एकड़ मलीर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है। यानी बहरिया टाउन तो दावा कर रहा था कि मेरे पास कम ज़मीन है, लेकिन जब रिपोर्ट खुली, जब तहकीकात हुई, तो पता चला कि ज़मीन ये ज़्यादा है। अच्छा, ज़मीन ज़्यादा है, उसकी पेमेंट कौन करेगा, क्या सिलसिला होगा, वो बातें तो आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, एक वीलॉग में हमने की भी हैं। मामला ये था, सरमायाकार जिस बात पर बड़ा खौफजदा रहे, या जो सरमायाकार हैं, जो बहरिया में काम करते लोग हैं, जो बहरिया से एसोसिएटेड हैं, वो ये कह रहे थे यार पता चले कि ये 3,033 एकड़ है, ये बहरिया टाउन के नक्शे के मुताबिक कौन सी जगह है। उस नक्शे के मुताबिक जो जगह बनती है, हमने वो पता करवाया है, उसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर चलता देख रहे हैं। वो जगह जो इजाफी शो हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी निशानदेही की है 10 रुकनी कमेटी ने, और वो जगह है 3 से 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल। जी हाँ, 3 से 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है उसको आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर में, और जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में कौन सा एरिया इजाफी कहा गया है इस रिपोर्ट की जानिब से, जिसको दरअसल उस रिपोर्ट को तो बहरिया टाउन ने एक तरह मुस्तरद किया है, वो रिपोर्ट तो मुस्तरद हुई है यकीनन, उस पर एतराज़ जमा नहीं करवाने दिए गए वकील बहरिया टाउन को। अब मामला ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या उनके प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री तो नहीं चले जाएंगे। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे जाके दूंगा, पहले बता देते हैं कि वो एक्स्ट्रा लैंड आई किधर है। सर, प्रीसेंट 38-39 के बाद वाला जो पार्ट है वो आ रही है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में, ठीक है जी। प्रीसेंट 4 और प्रीसेंट 7 के जो बाएं जानिब जगह हैं, जहां बहरिया टाउन ने न्यू डील दी थी, वो डिस्ट्रिक्ट जो मलीर है उसमें आ रही है, ठीक है नाज़रीन। अब प्रीसेंट 47 बहरिया पैराडाइज, वो वाला पार्ट थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मलीर में आ रहा है।
प्रीसेंट 56 प्रीसेंट 57 का कुछ पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में आ रहा है। सबसे बड़ा पार्ट, अच्छा मैंने जो प्रीसेंट 4 और 7 वाली बात की है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में नहीं, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में आ रहा है वो वाला पार्ट। दो पार्ट हैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के और तकरीबन 4 पार्ट हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, जो न्यू लैंड बैरिया ने एक्वायर की, कह सकते हैं आप, या ख़रीदी है और फिर प्लॉट्स पर कटिंग करके दी है। अच्छा दो चीज़ें बड़ी वाजे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार क्या ये ज़मीन बैरिया से वापस ले ली जाएगी, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि बैरिया किसी भी ऐसी ज़मीन पर डेवलपमेंट नहीं करता जो बैरिया टाउन के पास नहीं होती है। प्रीसेंट 4 और 7 की बैक साइड पर न्यू डील आई है और आपको पता है कि वहाँ डेवलपमेंट बड़ी अच्छी चल रही है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के हिस्से में वो ज़मीन है, वहाँ पर डेवलप हो चुकी है। बताने का मकसद एक और भी है जो कि दरमियान में आ गया है, कि किसी के प्लॉट को कोई मसला नहीं होगा, किसी की प्रॉपर्टी को कोई मसला नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट, वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के कलर में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मलीर के कलर में आ रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई ज़मीन, कोई प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाएगा, ये हम आपको बहुत वाजे कर रहे हैं। 3033 एकड़ जो ज़मीन इजाफी है वो कहाँ कहाँ है, प्रीसेंट 47, 56, 57, प्रीसेंट 4 और प्रीसेंट 7 की बैक साइड पर जो न्यू डील आई है वहाँ पर, और स्पोर्ट सिटी प्रीसेंट 40 के बाद जो ग्रीन्स की सराउंडिंग्स हैं वो वाली ज़मीन 3333 एकड़ पर मुश्तमिल है नाजरीन। इसमें कुछ एरिया प्रीसेंट 17 के पास का है, कुछ एरिया प्रीसेंट 21 और गोल्फ सिटी के पास का भी है, जिस पर डेवलपमेंट स्टेटस के हमें नहीं इल्म मालूम नहीं है, लेकिन वो एरिया भी मेंशन्ड किया गया और ये गूगल मैप से तस्वीरें ली गई हैं जो बार बार आप चलती देख रहे हैं इस पूरी वीडियो में। 3033 एकड़ के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो सारे लीगल हैं, वो सब पर डेवलपमेंट हो चुकी है, ग्रीन्स उसमें आता है, प्रीसेंट 4 और 7 की न्यू डील उसमें आती है, 47 की न्यू कटिंग उसमें आती है, 56, 57 की ज़मीन भी बैरिया टाउन के पास है, इस मैप से तो ये ज़ाहिर हो रहा है। तो 3033 एकड़ की जो इजाफी ज़मीन का इंकशाफ बैरिया टाउन कराची का हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो ज़मीन कहाँ कहाँ पर और किस किस जगह पर है वो हमने आपको बता दिया है। लोग सरमाया का जो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अगर उनका प्लॉट 3033 एकड़ की टेरिटरी में आ जाए तो क्या प्लॉट आउट होगा, आउट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन बैरिया टाउन के पास है। ये रिपोर्ट बैरिया टाउन कराची ने, बैरिया टाउन कराची की तरफ से जो 10 रुकनी कमेटी थी उसने जमा करवाई है कि ये ज़मीन भी बैरिया टाउन के पास है। वो ज़मीन इसीलिए मेंशन्ड हुई है क्योंकि वो डेवलप्ड थी, इसीलिए कोर्ट में बताया गया है कि ये इस ज़मीन पर डेवलपमेंट हो गई है, ये ज़मीन बैरिया की कब्ज़े में है, कोई प्लॉट, कोई चीज़ आपकी अगर इस टेरिटरी में आती है तो 1% भी कोई घबराना नहीं है, कोई परेशानी होना कि आपका प्लॉट अब फिर आउट ऑफ बाउंड्री होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मुकम्मल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब अगला सवाल है कि उस 3033 एकड़ की जो एडजस्टमेंट है, सेटलमेंट है, वो कैसे होगी, वो अभी हम कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन की वैल्यू का तायुन बैरिया टाउन और उन डिस्ट्रिक्ट्स वालों ने करना है, हो सकता है वो निजी लोगों से ख़रीदी गई ज़मीन हो, और जो मलीर डिस्ट्रिक्ट में आ रही है वो मलीर डेवलपमेंट के साथ बैरिया टाउन की क्या डील है, इस पर तो हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत वाजे आपको बता दिया कि 800 एकड़ ज़मीन मलीर डेवलपमेंट मलीर डिस्ट्रिक्ट की है और 2200 जामशोर डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये कहाँ कहाँ वाक़े हैं, यहाँ पर आने वाली जो लोगों की यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो सारे सेव हैं, तो कोई मसला नहीं है, इजाफी बैरिया की इजाफी ज़मीन का मामला इतना अहम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, जितना लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं या थोड़ा मनफी होकर बात कर रहे हैं। तो आपके प्लॉट, आपकी सरमायाकारी, आपकी रिहाइश बैरिया टाउन कराची में हर तरह सेव है, ये बात तफसीली फ़ैसले में मैंने खुद पढ़ी है, जस्टिस काजी फ़ैज़ी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतरमिनला साहब ने बहुत वाजे अल्फाज में लिखा है और तकरीबन 13 पेजेस पर मुश्तमिल ये सफ़ा है, जिसका अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मैं आपको तफसीली फ़ैसला 2 से 3 पार्ट्स में पढ़कर बताऊंगा, ताकि जो अल्फाज यूज़ हुए हैं एग्जैक्टली वो आप तक पहुंचे। ये आज की वीडियो थी,
जिस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि 3033 एकड़ की जो ज़मीन है वो कहाँ पर है और उन अलॉटिस का क्या होगा। उन अलॉटिस का कुछ नहीं होगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।